इधर बुरहानपुर में मसाला उत्पादन फसलों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वर्चुअली किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि केला, गन्ना और कपास फसल की तरह मसाला उद्योग भी बुरहानपुर अग्रणी जिला इसमें बनेगा। इसके अलावा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बुरहानपुर वासियों को जल जीवन मिशन के तहत शत प्रतिशत घरों तक पेयजल पहुंचाने वाला पहला जिला बनने पर बधाई भी दी है। साथ ही 30 अप्रैल को खुद बुरहानपुर पहुंचकर जल उत्सव मनाने की बात कही। कार्यशाला के दौरान पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस और सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल भी मौजूद रहे। इसके लिए भी बधाई देता हूं, मैं इसके लिए भी बधाई देता हूं कि बुरहानपुर जिला ऐसा जिला है जहां नल से जल लगभग हर घर में हमने पहुंचा दिया है, हर गांव में। कोई अपवाद की बात मैं नहीं करता, लेकिन हर गांव में पहुंचा दिया। और 30 अप्रैल के दिन मैं बुरहानपुर जिले में इसके लिए बधाई देने आ रहा हूं कि हमने घर घर में नल से पानी दे दिया है। वैज्ञानिक यहाँ आए हैं और कुछ वर्चुअली जुड़े हुए। मैं आज की कार्यशाला के लिए माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को धन्यवाद देता हूँ कि उनके नेतृत्व में लगातार मध्य प्रदेश का किसान उन्नति कर रहा है, किसान समृद्ध बन रहा है। क्योंकि किसान को जो लगने वाली चीज़ें वो सारी चीज़ें उपलब्ध कराने का काम यदि किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की, शिवराज जी की और मोदी जी की सरकार कर रही है। सिंह जी कहते हैं कि जो हमारी मसाला फसलें हैं वो हाई वैल्यू लो वॉल्यूम फसलें, जितना आपका एक ट्रक भर के गेहूं की कीमत है उतनी एक जीप भरकर मसाले की फसल की उतनी कीमत। इसमें पानी कम लगता है, इसमें खाद कम लगता है, इसमें फर्टिलाइजर कम लगता है, और फिर भी ये फसलें हमारा पूरा साथ देती हैं।